नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी को कई मोर्चों पर झटका लगा है। पार्टी के सांसद और विधायकों की बगावत खुलकर सामने आई, फिर पार्टी के चुनाव में बड़ा हार का सामना भी करना पड़ा। हालत ये हुई कि पार्टी मेयर की एक भी सीट नहीं जीत सकी। लेकिन अब सपा में बगावत करने वालों पर एक्शन की तैयारी हो रही। अखिलेश यादव ने लखनऊ के पार्टी दफ्तर में बैठक बुलाई। क्या है पूरा मामला, देखिए आज की इस रिपोर्ट में। समाजवादी पार्टी की लखनऊ में होने वाली बैठक की वजह से चर्चा शुरू हो गई कि क्या अखिलेश यादव इस बैठक के दौरान बगावत करने वाले सांसद और विधायकों पर एक्शन लेंगे। दरअसल निकाय चुनाव में कई जगहों पर पार्टी के सांसद, विधायक और नेताओं ने सपा उम्मीदवार के खिलाफ जाकर निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन दिया। पार्टी से बगावत कर उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के लिए वोट भी मांगे। हालांकि सूत्रों की माने तो पार्टी में लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई गई, लेकिन इस दौरान निकाय चुनाव में बगावत करने वाले नेताओं पर कार्रवाई भी की जा सकती है। कई जगहों पर सपा के प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त हो गई। सूत्रों की माने तो बैठक में निकाय चुनाव की हार पर भी मंथन होगा, जबकि राजनीतिक के जानकार सपा की इस हार के लिए कई वजह बता रहे हैं। तो ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि जिन नेताओं ने पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ प्रचार किया, उनकी रिपोर्ट जिला स्तर में मंगवाई जा रही है। खास तौर पर मेरठ में सपा प्रत्याशी का विरोध जमकर हुआ था। यहां विधायक रफीक अंसारी और शाहिद मंजूर समेत कई बड़े नेताओं ने प्रचार तक नहीं किया। इसके अलावा संभल में सांसद शफीकुर रहमान बर्क और उनके विधायक बेटे ने भी बगावत की। ऐसे में अब बैठक के बाद इन पर एक्शन होना तय माना जा रहा है। संभल के सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने बगावती तेवर दिखाए थे। निकाय चुनाव में सपा उम्मीदवार के खिलाफ बर्क ने अपने प्रत्याशी को चुनाव लड़ाया था। निकाय चुनाव में सपा सांसद ने समाजवादी पार्टी प्रत्याशी का खुला विरोध किया था। ऐसे ही सपा के कई विधायक हैं जिन्होंने अपनी ही पार्टी के फैसले का साथ नहीं दिया था। इसके लिए अब अखिलेश यादव बैठक में पार्टी सांसद और विधायकों पर एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि ये भी एक बड़ा कारण था पार्टी की हार का। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिस पार्टी के विधायक और सांसद खुद अपनी पार्टी पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो कोई और कैसे भरोसा करे। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।